यूपीपीएससी चल में। मेरा नाम है शिवम चहल दोस्तों। यूपीपीसीएस 2017 का प्री का रिजल्ट आ चुका है। इस बार आयोग ने 13,640 समथिंग कुछ रिजल्ट जो है निकाला है। और इसमें पहले क्या होता था कि पहले जो पिछले साल जिस तरह से रिजल्ट आया था उसमें एक जनरल पोस्ट थी, कॉमर्स की थी और एग्रीकल्चर की कुछ पोस्ट थी। लेकिन इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, ग्रेजुएशन है जैसे मेरा है, तो मैंने जो तीन कैटेगरी है तीनों में जो है प्री क्वालिफाई किया है। तो इसमें कैटेगरी जो है इस बार थी जनरल कैटेगरी, यानी कि जिसका मेन नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है उन लोगों के लिए, और उसके बाद में उन लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं या उनका हॉर्टिकल्चर से है, ठीक है। तो इस तरह के सब्जेक्ट से जिनका है उनके लिए है। दूसरा हॉर्टिकल्चर स्पेशल, हॉर्टिकल्चर की जो पोस्ट है उनके लिए है, और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दो जो डिग्री जिन्होंने ले रखी है उनके लिए है। पिछले साल इसमें क्या था कि कॉमर्स की बहुत ज़्यादा पोस्ट थी, इस बार कॉमर्स की कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए इस बार कॉमर्स का जो है रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है स्पेशल तरीके से, जिस तरह से पिछली बार जो है बहुत अच्छी खासी संख्या में जो है रिजल्ट इसमें घोषित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी हाँ, 13,643 इस बार रिजल्ट निकाला है, और 13,643 जो रिजल्ट है वो जनरल की जो पोस्ट है, जनरल की पोस्ट मतलब जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है उन सब के लिए है, जिसमें एसडीएम डीएसपी वगैरह की सारी पोस्टें आती हैं। लेकिन जो लोग क्वालिफाई करे हैं एग्रीकल्चर ग्रुप में, ये देखिए ये एग्रीकल्चर ग्रुप है और इसमें जो कैंडिडेट की संख्या है वो टोटल है 187, यानी कि 187 जो लोग हैं वो क्वालिफाई करे हैं एग्रीकल्चर के लिए। वो डीएसपी और एसडीएम की वगैरह की जो पोस्टें होती हैं उनके लिए नहीं दे सकते, एग्रीकल्चर की जो पोस्टें होंगी उनके लिए वो एलिजिबल होंगे। लाइक जैसे जिला गन्ना अधिकारी की पोस्ट होती है या उद्यान अधिकारी की जो पोस्ट होती है उनके लिए इस बार हॉर्टिकल्चर ग्रुप में, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं जिनका ग्रेजुएशन है उनके लिए ये इस बार बहुत गोल्डन चांस है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में भी इस बार जो रिजल्ट दिया गया है वो दिया गया है 524, 187 एग्रीकल्चर और 524 जो है वो हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये जो है इन लोगों के लिए क्वालिफाइंग किया गया है प्री, और ये लोग जो मेंस देंगे, लेकिन ये सेक्टर वाइज पोस्ट है, जिस सेक्टर के लिए निकले हुए उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर नहीं कर सकते। अभी कट ऑफ नहीं आई, कट ऑफ की एक वीडियो में और बना दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये कट ऑफ जो है वो हाई गई होगी या लो भी जा सकती है। तो इसमें जो लोग क्वालिफाइंग करेंगे तो जाहिर सी बात है जनरल में नॉर्मल तो क्वालिफाई इन लोगों का हो ही जाएगा। तो जो लोग एग्जाम दिए थे वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस बार 13,643 लोगों को क्वालिफाइंग किया गया है मेंस के लिए, जो मेंस देंगे, और वो डेट है 17 मार्च। थैंक यू।